दरभंगा हवाई अड्डे से सालों भर विमानों का होगा परिचालन, जमीनी अधिग्रहण के साथ लैंडिंग उपकरण लगाए जाएंगे। अब दरभंगा हवाई अड्डे पर सालों भर विमानों का परिचालन हो सकेगा। इसके लिए कैबिनेट ने दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव के निर्माण और संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,36,76,18,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से जमीन अधिग्रहण के साथ लैंडिंग उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे जारे के मौसम में भी विमानों का उड़ान प्रभावित नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके अलावा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालन प्रणाली के विस्तार और शुद्धिकरण के लिए छपरा के अमनौर में ग्रिड सब स्टेशन में 220 से 132 केवी व 160 MVA के अलावा पटना जिले के नौबतपुर और चक्कनपुर ग्रिड सब स्टेशन में 400 केवी बस रिएक्टर की स्थापना करेगी। इससे वोल्टेज की स्थिति में सुधार होगा। इसके लिए कैबिनेट ने कुल 11,11,00,000 की स्वीकृति प्रदान की है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।